हार्ली डेविडसन ने हीरो के साथ मिलकर अपनी X440 इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च कर दी है, लेकिन क्या इस बाइक के अंदर हार्ली डेविडसन वाला फील है, क्या इसके एग्जॉस्ट नोट के अंदर हार्ली डेविडसन वाला फील है, और क्या ये बाइक आपको परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू केटोके मोटो व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स कवर करने वाले हैं हार्ले डेविडसन X440 की। और X440 की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्ले डेविडसन ने सबसे पहली बार सिंगल सिलेंडर इंजन वाली बाइक बनाई है। इससे पहले हार्ले डेविडसन ने कोई भी सिंगल सिलेंडर इंजन वाली बाइक नहीं बनाई थी, और इसी वजह से ये हार्ले डेविडसन की अभी सबसे अफोर्डेबल बाइक है इंडियन टूलर मार्केट में। और प्राइस के बारे में अगर बात करें तो यार, ये इसका टॉप मॉडल है जिसका एक्शोरूम प्राइस है 2,69,000, 2,69,000 रुपये। सो ये तो हो गया इसका टॉप मॉडल, और ये है इसका बेस वेरिएंट जिसके अंदर आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे, एलो व्हील्स नहीं मिलेंगे। और इसका एक्शोरूम प्राइस है 2,29,000, 2,29,000 रुपये। ये इसका सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल वेरिएंट है X440 का। और ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये इसके दोनों वेरिएंट्स हैं जो मिड वाले मॉडल हैं। ये इसके अंदर थोड़ा सा रेड कलर है, चेरी कलर आप इसको बोल सकते हो, और वो उसका थोड़ा सा ग्रेश कलर है। सो मिड वेरिएंट का एक्शोरूम प्राइस है 2,49,000, 2,49,000 रुपये, जिसके अंदर आपको ये दो कलर्स मिल जाएंगे। लेकिन जो इसका टॉप मॉडल है और जो इसका बेस वेरिएंट है, उसके अंदर आपको मैट वाले कलर्स मिलेंगे, और दोनों में सिर्फ एक एक कलर ऑप्शन है। X440 एक रोडस्टर टाइप की मशीन है जिसके अंदर आपको राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल मिल जाएगा। और इसके डिज़ाइन और स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो यार, इसके ओवरऑल लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल काफ़ी हद तक हार्ले डेविडसन की जो पहले बाइक आती थी XR 1200, उससे इसका डिज़ाइन और स्टाइल इंस्पायर्ड है, उससे इसके लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल लिए गए हैं। और अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले आप फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रंट में यार, इसके अंदर आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाएगी, जो राउंड शेप की LED हेडलाइट है। इसके अंदर आपको हार्ले डेविडसन की बैजिंग मिल जाएगी, और यहाँ पे नीचे इसके अंदर आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी, जो LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है। और हेडलाइट के ऊपर आपको क्रोम की फिनिशिंग भी देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से इसके लुक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। राउंड शेप के मिनिमलिस्टिक टाइप के LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इसके फ्रंट लुक्स काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। और बात करें इसके सस्पेंशन के बारे में, तो फ्रंट में यार काफ़ी अच्छे ब्लैक कलर के 43mm के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, और बाइक की हैंडलिंग भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और बात करें यार इसके फ्रंट फेंडर के बारे में, तो इसके अंदर आपको मेटल के पार्ट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, फाइबर के पार्ट्स इस बाइक के अंदर काफ़ी कम हैं। सो बाइक की जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। बात करें इसकी टायर प्रोफाइल के बारे में, तो फ्रंट में आपको 18 इंच का व्हील मिलेगा, जो 100 सेक्शन का फ्रंट में टायर है, और इसके अंदर आपको डायमंड कट वाले अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे इसके टॉप मॉडल के अंदर। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर फ्रंट में 320mm की काफ़ी बड़ी डिस्क ब्रेक दी गई है, और इसके अंदर आप ABS की रिंग भी देख सकते हो, और बाइबरी के ब्रेक कैलिपर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। डुअल चैनल ABS इसके अंदर स्टैंडर्ड दिया गया है, सो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाइक आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और सबसे खास है यार इसका इंजन, बाइक में आपको 440cc का एयर प्लस ऑयल कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2-वाल्व इंजन मिल जाएगा, जिसकी पावर आपको 27 PS मिलेगी, जो आपको सिर्फ 6,000 RPM पे मिल जाएगी। और इसके अंदर 38 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, जो सिर्फ 4,000 RPM पे डिलीवर होता है। सो इसका इनिशियल एक्सेलेशन और पिकअप आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि टॉर्क बाइक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी कम RPM के ऊपर वो आपको अच्छी हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाला आपको लेग गार्ड देखने को मिल जाएगा, इनकेस अगर बाइक कभी गिर भी जाती है, सो ये काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा बाइक की साइड फ्रेम को। और बाइक के फ्यूल टैंक के ऊपर आपको हार्ले डेविडसन X440 का ये 3D लोगो देखने को मिल जाएगा, जिसकी वजह से यार बाइक की साइड प्रोफाइल देखने में काफ़ी प्यारी लग रही है, और इसके टैंक की यार शेप भी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर आपको ड्यूल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी, जिसकी वजह से इसके ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.4 लीटर्स की है। एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद आप 300 से लेकर 350 किलोमीटर तक का डिस्टेंस बड़े आराम से कवर कर सकते हो। बात करें इसके रियर व्यू मिरर्स के बारे में, तो बाइक में राउंड शेप के रियर व्यू मिरर्स दिए गए हैं, जिनकी बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और इनसे पीछे का व्यू भी काफ़ी डिसेंट आता है। और यार इस बाइक का एक और सबसे बेस्ट फीचर है इसका TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो इसमें बेस वेरिएंट से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है। बेस वेरिएंट से लेकर टॉप मॉडल में आपको यहीं सेम फुली डिजिटल TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स भी मिल जाएंगे, टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी इसके अंदर आपको दिया गया है। और इसके अंदर आप देख सकते हो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ स्विच भी है, यहाँ पे न्यूट्रल आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज स्पीड, काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसकी हेडलाइट की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर
ऑटोमेटिक एलईडी हेडलाइट दी गई है, हालांकि ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, जब भी अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिकली इसकी हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। और बात करें यार इसके डायमेंशन के बारे में, तो इसकी जो सीट हाइट है वो 805 mm की है। सो मेरी हाइट 5'7" है, और अगर आपकी हाइट 5'5" के आसपास भी है तो भी आप इसको कंफर्टेबली चला सकते हो। मेरे आप देख सकते हो दोनों पैर काफ़ी अच्छे से टच हो रहे हैं, और राइडिंग पोस्चर इसका आपको काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिल जाएगा। और मैं बात करूँ इसकी सीट के बारे में, तो सीट की कुशनिंग आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और इसकी जो पिलियन सीट है उस पर भी काफ़ी डिसेंट स्पेस दिया गया है। पिलियन आपके साथ कंफर्टेबली बैठ के सिटी में भी राइड कर सकता है और लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सकता है। हैंडल बार इसका काफ़ी वाइड है, और इसमें लेफ्ट साइड में आपको स्विचेस मिल जाएंगे जिससे आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल के फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हो। और राइट साइड में इसके अंदर हैजार्ड लाइट स्विच दिया गया है जिससे चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन हो जाते हैं, और उसके आगे यहाँ पे इंजन किल स्विच दिया गया है जिससे आप बाइक को स्टार्ट कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। और यार इसके अंदर जो फुट पैग्स हैं इनकी भी बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और बात करें इसके रियर सस्पेंशन के बारे में, तो आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी वेट कैरिंग कैपेबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। और यार ये जो इसमें साइड पैनल्स दिए गए हैं ये भी मेटल का पार्ट है, सो बाइक के अंदर आपको मेटल के पार्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। यार बिल्ड क्वालिटी बाइक की ओवरऑल काफ़ी अच्छी दी गई है, बाइक मैंने पूरी ठोक बजा के देख ली है, तो बिल्कुल भी आपको बाइक के अंदर कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलेंगे कि प्लास्टिक के पार्ट ज़्यादा हों, बिल्कुल भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के पार्ट ज़्यादा हों, मेटल के पार्ट ही आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। और इसके जो ग्रैब रेल्स हैं इसका भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिया गया है, स्प्लिट टाइप के ग्रैब रेल्स हैं जिसकी वजह से इसके रियर लुक्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, और पिलियन कंफर्टेबली बैठ के ग्रैब रेल्स को होल्ड कर सकता है। और बात करें यार इसके रियर टायर के बारे में, तो ये 140 सेक्शन का काफ़ी अच्छा सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर इसके अंदर आपको मिल जाएगा, और एलो व्हील्स का भी यार इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, डायमंड कट वाले एलो व्हील्स आपको मिलेंगे, और 17 इंच का रियर में आपको व्हील देखने को मिलेगा। और बात करें ब्रेक के बारे में, तो 240 mm की डिस्क ब्रेक इसके अंदर दी गई है पीछे, जिसके साथ में आप ABS रिंग भी देख सकते हो, और ड्यूअल चैनल ABS बाइक के अंदर स्टैंडर्ड रखा गया है। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर हार्ले डेविडसन वाला फील है या नहीं है तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि इसका जो एग्जॉस्ट नोट है वो काफ़ी यूनिक है, जिसकी वजह से पता चलता है कि यार बाइक के अंदर हार्ले डेविडसन वाला बिल्कुल फील आता है। तो बाइक के एग्जॉस्ट नोट से बिल्कुल आपको हार्ले डेविडसन की याद आ गई होगी, और बिल्कुल यार हार्ले डेविडसन ने इस बाइक के एग्जॉस्ट नोट के ऊपर काफ़ी अच्छे से काम किया है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर इंजन होने के बावजूद भी एग्जॉस्ट नोट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो हार्ले डेविडसन ने पहली बार सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ कोई बाइक लेके आई है, और बाइक के अंदर यार फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, एग्जॉस्ट नोट भी काफ़ी अच्छा है, आपको कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो बाइक के अंदर आपको 30 km/h के आसपास की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी, और राइडिंग पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है इसके साथ, आप लॉन्ग हाईवे राइड्स अगर करना चाहते हो तो आप कंफर्टेबली कर सकते हो, और सिटी में भी इस बाइक को आप कंफर्टेबली चला सकते हो। अब बात रहेगी यार इसके वेट की, तो इसके अंदर 190.5 kg का इसका वेट है, अभी भी इस बाइक का वेट क्लासिक 350 से 5 kg कम है। सो यार इसकी वजह से इसका जो इनिशियल एक्सेलरेशन और पिकअप आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तो इसका पावर टू वेट रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, और टॉर्क टू वेट रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 38 Nm का टॉर्क जो आपको काफ़ी कम RPM पे ही डिलीवर हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इनिशियल एक्सेलरेशन पिकअप ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होने वाली है। और बात करें यार इसकी टॉप स्पीड के बारे में, तो 140 km/h की इसके अंदर आपको टॉप स्पीड देखने को मिल जाएगी, 140 km/h के आसपास की। और बात करें इसकी टेल लाइट के बारे में, तो यार इसकी टेल लाइट का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, लुक्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं पीछे से, और इसके जो LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं पीछे से उसके भी लुक्स काफ़ी अच्छे आते हैं, और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, और नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे एक LED लाइट भी दी गई है। और रियर फेंडर का जो ये वाला पार्ट है सिर्फ ये फाइबर का है, लेकिन ऊपर से जो रियर फेंडर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो बिल्कुल आपको मेटल का ही देखने को मिलेगा। और इसके बेस वेरियंट में, टॉप मॉडल में और मिड मॉडल में क्या क्या डिफरेंसेज हैं वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो यार इसका जो टॉप मॉडल है उसके अंदर आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ये फीचर्स मिल जाते हैं, उसके साथ में डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसका जो बेस मॉडल है इसके अंदर आपको डायमंड कट वाले अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आपको नॉर्मल स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे, और कनेक्टेड जो फीचर्स हैं टर्न बाय टर्न जो नेविगेशन है वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कलरफुल TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल बेस मॉडल से ही मिलना स्टार्ट हो जाता है, जो इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है। और ये जो इसका मिड वाला मॉडल है इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये डायमंड कट वाले अलॉय व्हील्स नहीं है। जो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक का मिड वाला मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर आपको अलॉय व्हील्स भी देखने को मिल जाते हैं, और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है तो फिर इस बाइक के साथ आप जा सकते हो, इस वेरिएंट के साथ जा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं देखने को मिलेगा। सो यार ये थी सारी डिटेल्स हार्ले डेविडसन X440 के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlogs, और कोई भी अगर आपका डाउट है तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।